सबका स्वागत है। आज मैं दिखाने वाला हूँ कि जीटीटी जो ऑप्शन है ये कैसे लगाते हैं, खासकर आपके शेयर मार्केट में कैसे आप जीटीटी को लगा सकते हैं, उसका फायदा क्या है। उसका फायदा मैं आपको ये दिखा देता हूँ होल्डिंग्स में, राइट। मेरा अगर आप होल्डिंग्स में देखोगे तो कई शेयर 54% है, रोलेक्स की है 24% है, ये सब 20% के ऊपर चले गए। बट अगर आपने ध्यान दिया होगा, पुराने वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैंने बताया है, मैं हमेशा 10% प्रॉफिट के बाद मैं बेच देता हूँ अपने शेयर। तो एक्चुअली ये आज के लिए मेरे लिए ये बिकने के लिए तैयार खड़े हैं। अभी जैसे EU बैंक है, ठीक है, ए से शुरू होता है इसलिए लगाता हूँ। हम देखते हैं कि GTT लगाते कैसे हैं। पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि GTT मैंने लगाई है तो EU बैंक की है क्या GTT। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो EU बैंक, ठीक है, यहाँ पे जैसी GTT लगी हुई है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्यों जरूरी है, ठीक है। अब मैं लगाता कैसे हूँ GTT, EU बैंक यहाँ पे था। अगर आपका Zerodha में स्टॉक है तो आपको इस पे आना है, ये क्रिएट GTT ऑप्शन दिखिए। आप जब यहाँ आएंगे तीन बटन दिखेगा, आप इसको दबाएंगे, क्रिएट GTT करेंगे, यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा। मेरे पास अभी एक स्टॉक था तो मैं एक ही यहाँ पे क्वांटिटी रखूंगा, लेकिन मैं सिंगल को चूज करूंगा, यहाँ पे वन क्वांटिटी लूंगा। अब देखिए आज के टाइम पे इसका भाव ये चल रहा है 1301, और इसने ट्रिगर क्या किया है 5% ऑफ लेटेस्ट प्राइस, राइट, यानी 5% हायर पे जाएगा और ये इसको बेच देगा। लेकिन मुझे इस पे नहीं बेचना है, मुझे 5% हायर पे नहीं जाना है। मुझे क्या करना है कि मैं इसको 1280, तो कितना हुआ 1-1.75, मैं 60 करता हूं तो 3.3%, यानी आज का जो प्राइस है उससे मैंने 3% पे लगाया है कि ये आज के प्राइस से अगर मार्केट गिरता है और ये 3% और जाता है तो मेरा ये बिक जाए, ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे कि आप तो ये स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस नहीं है मेरे दोस्त, स्टॉप लॉस आज लगाया है आपको रोहित चेंज करना पड़ेगा, आप इसको हमेशा चेंज कर सकते हो, राइट। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हुआ है। अब जैसे मैंने ये लगा दिया 1260, आपको सेम चीज यहाँ पे भी चेंज करनी पड़ेगी 1260, ठीक है। मैंने इसको प्लेस कर दिया, मेरा GTT क्रिएट हो गया। अब मैं आता हूँ ऑर्डर में और मैं आके इसको चेक करूंगा कि भाई मेरा GTT लगा है कि नहीं लगा है, राइट। तो EU बैंक, ठीक है, 3.3 पे लगाया था। अब देखिए क्या फर्क पड़ता है, ये जैसे अगर निगेटिव होता है, स्टॉक डाउन होता है, मार्केट डाउन होगा और इस प्राइस को ये हिट करेगा जीरो पे तो ये बिक जाएगा। मैं क्या करता हूँ, रोज आके क्या करता हूँ, मैं रोज आके पहले GTT में देखता हूँ कि मेरा कौन से स्टॉक 5% से ऊपर चला गया है। बाई चांस अभी देखिए कुछ बिक भी गए, लेकिन अगर वो 5% से ऊपर, जैसे 4.6 है, राइट, ये 4.51 है, तो चलो मैं 4.5 को क्या करता हूँ, मैं वापस चेंज करता हूँ, आके एडिट करता हूँ, 5.4 था ना, 1280 करूंगा, यानी मैं 10% 10 रुपए कमा लूं भाई, 80। आई कैन डू इट एवरी डे, जब भी ये 3% से 5% से के रेंज के बाहर जाते हैं मैं इसको वापस 5% के डिफरेंस में ले आता हूं। तो अब मैं बताता हूं GTT का फायदा क्या होता है। आप ये देख रहे हो स्टॉक, मान लो ये इंडिपॉन है, आज के टाइम पे 40% हाई पे है, लेकिन जैसे मैंने 29 मतलब जैसे ये 10% ऊपर गया, मतलब 15% 10% पे पहुंचा था, मैंने 5% कर दिया। और मैं एवरी डे ये जैसे जैसे बढ़ रहा है, आज ये घटा है लेकिन जैसे अभी ये स्टॉक है ये 5% बढ़ा, तो कल आके मैं वापस इसको 5% ऊपर लगा दूंगा। तो शायद आप मेरी बात समझ रहे होगे, नहीं तो मैं एक्सेल से समझा दूंगा कि मान लो आज के टाइम पे एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक्सेल तो नहीं, मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि 100 रुपए का स्टॉक है, उसको 110 पे आप बेचना चाहते हो, तो जैसे ही वो 110 पे पहुंचता है तो मैं क्या करूंगा उसको सेलिंग पे, यानी GTT लगाऊंगा 105 पे। अगर मार्केट गिर गया उसका, ठीक है, आज मार्केट गिर गया, वो 105 पे पहुंचा, वो बिक जाएगा, मेरे पास 105 रुपए कैश आ जाएंगे, यानी मैंने 5% प्रॉफिट। बट हो सकता है आज उसका मार्केट ना गिरे, वो 5% और बढ़ जाए, तो शाम के 3 बजे तक वो 115 हो जाए, फिर मैं कल जब सुबह आऊंगा या रात को मैं देखूंगा, जब मैं अभी घूमने चला गया हूँ, चलो रात को मैं आ रहा हूँ, रात को चेक कर रहा हूँ, तो वो 115 है, तो मैं उसको क्या करूंगा 110 पे GTT लगाऊंगा। जो GTT आज मैंने 105 पे लगाई थी उसको बढ़ा के मैं 110 पे कर दूंगा। अब मैं मानता हूं दूसरे दिन भी वो स्टॉक बढ़ता है 5 रुपए और 120 तक पहुंच जाता है, मैं उस दिन शाम को 115 पे लगा दूंगा। तो फायदा मेरा क्या हो रहा है, अगर कोई स्टॉक बढ़ रहा है तो मुझे घबराने की जरूरत नहीं, मैं रोज उसमें प्रॉफिट लगाते जा रहा हूं और अपनी प्रॉफिट के मार्जिन को बढ़ाते जा रहा हूं। बट अब मैं बुरा मानता हूँ कि कल को मेरा स्टॉक गिर गया, पूरा मार्केट क्रैश हुआ, सबसे अच्छी बात है मेरे सब स्टॉक जिनके GTT लगे हुए मुझे कैश अमाउंट दे देंगे, मेरे पास कैश अमाउंट आ जाता है नेक्स्ट डे बाई करने के लिए,
वो सबसे बड़ा फायदा होता है जीटीटी के लिए। तो आप सब समझ गए होंगे, कोई भी डाउट है तो आपको टेलीग्राम नंबर और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उससे बात कर सकते हैं मुझसे। और मेरे ख्याल से इतना मुश्किल तो नहीं है, बट आप समझ गए होंगे कि क्या है। तो जीटीटी लगाना मैं एक बार और बता देता हूँ, अगर मैं अभी यहाँ पे मान लो कि निगेटिव वाले पे लगा देता हूँ, ये सबसे ज्यादा निगेटिव चल रहा है, पेटीएम, पेटीएम को नहीं, पेटीएम को मैं रखूंगा इस पे लगा देता हूँ। चलिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको होल्डिंग्स में आना है, जो स्टॉक की जीटीटी लगानी है आप उसको यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे एग्जिट एड व्यू बटन है, क्रिएट जीटीटी आएगा, आप क्लिक कीजिए। 8 स्टॉक आज के टाइम पे है। एक चीज और है, मैं हमेशा जैसे 8 स्टॉक है ना, मैं 8 नहीं लगाता हूँ, 8 स्टॉक है मैं 7 पे लगाऊंगा और रखता हूँ। अगर मैंने उसको अपने पोर्टफोलियो में रखा है ना, मैं उसको रिमूव नहीं करने वाला, क्योंकि कई मल्टीपेगर निकल जाते हैं, कई बेकार होंगे, तो ठीक है ना, उनको 1000 रुपए से तो ऊपर खरीदना नहीं है। अभी 137 है करंट प्राइस, मैं इसको देखता हूँ 130 पे 5% क्रॉस कर रहा है, राइट, मैं इसको 132 करूंगा, 3 पॉइंट के करीब आ गया, तो यहाँ पे भी मुझे 132 डालना है, राइट। ये हो गया, मैं क्ले प्लेस कर दूंगा, ये बन गया मेरा जीटीटी। मान लो 24% है, कल को मार्केट क्रैश होता है, 3% नीचे जाता है, ये मेरा बिक जाएगा, मेरे पास ये कैश अमाउंट आ जाएगा, 349 का लॉस है। लेकिन मैं एक्चुअली लॉस वाले में लगाता नहीं हूँ, ये तो आपको दिखाने के लिए, मैं मोस्टली जो यहाँ पे पॉजिटिव है इन सबको ही लगा देता हूँ, इन सबको पॉजिटिव वालों को लगा के रखता हूँ मैं, एटलीस्ट मैं प्रॉफिट तो ले लूं, ठीक है। इतना ही बहुत है, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, बाकी चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ये चैनल हमेशा आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड, क्रिप्टो करेंसी से मार्केट या मल्टी लेवल मार्केटिंग से प्लान रिलेटेड जो ऑनलाइन प्लान आते हैं उनके बारे में जानकारी देता रहेगा। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, ये पूरा प्रोग्राम हमारा, ये चैनल पूरा डेडिकेटेड है कि हम लोग कितने अर्निंग सोर्स ढूंढ सकते हैं ऑनलाइन, जिसमें हम घर बैठे भी पैसे कमा सकें, और ये शुरू हुआ था कोविड के टाइम पे, तो डेफिनेटली हम लोग उसके ही ऊपर काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, कोविड अभी गया नहीं, मास्क जरूर पहनिए, भीड़ को थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो। चलो मिलते हैं फिर जल्दी ही, आगे बढ़ते हैं, थैंक यू वेरी मच।